है, ताकि सारे कैंडिडेट कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद से सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग अपनी माइक को म्यूट कर दो अभी। कुलसुम आप म्यूट कर दो अभी। हेलो, हाय एवरीवन, सुन पा रहे हो मुझे? ओके सर। ठीक है, हम ना सेशन स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में हमने क्या बताया था? आपने सिलेबस के बारे में बताया था, हमने हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं 3 महीने में, हमने सिलेबस के बारे में बात किया था। आई थिंक कुछ कैंडिडेट कल ज्वाइन किए थे, जिसको पता होगा हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, जैसे इसके क्या नाम था, हेल्प 4 क्यू, अब कुछ कैंडिडेट कल ज्वाइन किए थे, जिसको पता होगा हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, जैसे इसके क्या नाम था, हेल्प 4 क्यू, अब क्या नाम है? ओके, मैंने क्या का सिलेबस में बताया था, कुछ याद है? हाँ सर, हाँ, एक बार रिपीट करो तो। बेसिक इंफॉर्मेशन सर, हाँ, एक बार रिपीट करो तो। बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, हाँ और अगर टाइम मिले ओके तो एक्सेल भी कराएंगे, ऐसे बोले थे। ठीक है, मैं ना दोबारा रिपीट करता हूँ हमारी सिलेबस क्या है। देखो, हम 3 महीने में क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर के जो भी फंडामेंटल नॉलेज होने चाहिए, लाइक जैसे कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक है, इस सब के बारे में बताएंगे। देन उसके बाद से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में नॉलेज देंगे, लाइक जैसे एमएस वर्ड भी आप कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है, एक्सेल पे कैसे आप वर्क कर पाएंगे, उसके बाद पावर पॉइंट पे कैसे वर्क करेंगे, उसके बारे में नॉलेज देंगे। देन हम क्या नॉलेज देंगे, उसके बाद हम जैसे अभी गूगल ने अपडेट किया है, गूगल फॉर्म है, गूगल डॉक आया, गूगल सीट आया है, ठीक है, गूगल स्लाइड आया है, हम इसके बारे में नॉलेज देंगे। अभी जो भी कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ है, ठीक है, उसके बारे में भी हम नॉलेज देंगे। उसके बाद हम ईमेल का कैसे सेंड करेंगे, ठीक है, ईमेल में क्या क्या बेसिक फीचर्स है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, और ईमेल एटिकेट मैडम सिखाएंगी आपको, ठीक है, आप कैसे कहीं पे ईमेल, फॉर्मल ईमेल कहाँ कहीं पे सेंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप राइट कर सकते हैं फॉर्मल ईमेल। ओके, ओके सिलेबस पता चला अवनीश? इसमें कितने कैंडिडेट हैं जो कि फर्स्ट टाइम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं? एक एक करके अपना नाम बताना, जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। मैं नाम पूछ रहा हूँ, जैसे पिंटू, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो? सेकंड टाइम सर, फर्स्ट सेकेंड टाइम? टाइम पहले कहाँ पे किया था कंप्यूटर कोर्स? और नहीं, वो नहीं, वो पहले नहीं किया। मैं कल अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सेकेंड क्लास। ओके ओके ओके, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो कंप्यूटर कोर्स, इसके पहले कहीं पे तो नहीं किया था ना कंप्यूटर कोर्स? नहीं, पहले किया था तो छोड़ दिया था, गांव चला गया था तो छोड़ दिया था, शादी के चक्कर में। अच्छा, हम मान जवाब ओके दिया ठीक था आपने। है। मनोज, रघु शर्मा लैब। ओनिस, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो कंप्यूटर कोर्स? नहीं, सेकंड टाइम है, पहले बेसिक नॉलेज है। अच्छा, क्या का नॉलेज है कंप्यूटर में? हेलो, हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो। जैसे कि बेसिक कंप्यूटर जो टाइपिंग आइपिंग है, और जो एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। ओके ठीक है, राहुल। सर सर मैंने बेसिक कोर्स किया हुआ थोड़ा पहले ना। अच्छा, थोड़ा बहुत किया है। ओके ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो किए हैं बेसिक कोर्स उनकी नॉलेज थोड़ी सी इंप्रूव होगी, और ठीक है, और जो नहीं किए हैं वो जरूर सीखेंगे इस सेशन में कुछ ना कुछ। ठीक है, फर्स्ट टाइम है सर मेरा। ओके, फर्स्ट टाइम है। ओके ओके, अच्छा मनोज, ठीक है, सबके पास एंड्रॉयड फोन तो है ना?
हाँ जी कुमार लैब। ओके, हम ना जो भी कुछ कराएंगे ठीक है, जैसे जिसके पास लैपटॉप नहीं है, अगर कुछ भी हम असाइनमेंट आपको दें तो आप कैसे उस असाइनमेंट को अपने मोबाइल पे ही कर सकते हो उसको हम उसके बारे में बताएंगे ठीक है। जैसे उसकी एप्लीकेशन आती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन आती है, एक्सेल की भी एप्लीकेशन आती है ठीक है। अगर आपके मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन नहीं तब सिंपल प्ले स्टोर पे ठीक है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड कर लेना ठीक है। उसके बाद हम कुछ कैसे हम उसको यूज करेंगे उसके बारे में बताऊँ ठीक है। और जिसके पास सिस्टम है बहुत अच्छा है ठीक है, वो सिस्टम पे ही प्रैक्टिस करेंगे ठीक है। उसके लिए मैं कमांड बताऊंगा सारा कुछ, कैसे कैसे आप कमांड यूज करके आप जल्दीबाजी में आप काम कर सकते हैं ठीक है। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर क्या होता है बताएगा, कंप्यूटर का डिफिनेशन बताएगा कोई? कुलसुम? यस सर। हाँ, कंप्यूटर क्या होता है सर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके बाद सर, थ्रू विच वी विल डू आवर ऑल वर्क इजीली, जस्ट लाइक टाइपिंग। यस सर, जस्ट लाइक टाइपिंग। And sir, we can learn through computer most things, just like typing, and we can read many files. Okay. Good. Okay. Ramraj, आपको कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में? कोई डिफाइन करेगा कंप्यूटर को? और पिंटू, मनोज? नहीं सर। ओके, अनीश? नहीं सर। आपको कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में? नहीं सर। ओके, कौन है? यस यस के चौहान। हाँ सर, कंप्यूटर के बारे में। हाँ, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके जिसके तरफ से हम लोग कोई हार्ड वर्क या सॉरी जैसे कि उसमें डाटा हम स्टोर कर सकते हैं और कोई ज़्यादा काम कैलकुलेशन जैसे कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं जो ऐसे मैनुअल नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। सही बताया आपने ठीक है। ये कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या उसको मशीन बोल सकते हो ठीक है। जो भी यूजर डेटा इनपुट डेटा पास करता है ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर पे जाएगा, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर ठीक है। जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है, टाइम को सेविंग करता है ठीक है। हम इनपुट किसको बोलते हैं? यस सर, इनपुट हम किसको बोलते हैं? यूजर जो होता है, जो भी डेटा प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, हम उसको इनपुट बोलते हैं ठीक है। जैसे कुछ भी हमें काम करना हो हम उसको इनपुट देते हैं, देन हमें आउटपुट देता है कंप्यूटर। ओके, यानी जो भी यूजर जो भी डेटा पास करेगा कंप्यूटर को उसको हम इनपुट बोलेंगे, जो कंप्यूटर हमें पास करेगा उसको हम आउटपुट बोलेंगे। ओके ओके उसके बाद कंप्यूटर में क्या क्या होता है? जैसे सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। हम हार्डवेयर किसको बोलेंगे, सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, इसके बारे में पता है? हार्डवेयर सर जैसे माउस हो गया। ओके, यानी हार्डवेयर कहने का सेंस जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होता है ठीक है। जिसको ठीक है, दस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है। ओ
Rajiv, with me left. हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर एक फीचर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं. ओके, हम सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको बस हम उसे वर्क कर सकते हैं. ओके, विंडो जो इंस्टॉल है, MS Word, Excel, PowerPoint, ये सारे क्या सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है. हार्डवेयर किसको बोलेंगे? जो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर हो रहे हैं, जैसे CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है? ये हार्डवेयर पार्ट है. ओके, जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे की कितने टाइप होते हैं, किसको पता है? यस सर, जो कीवर्ड है इसमें कीवर्ड में की कितने टाइप के होता है, जैसे F1 सीरीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी न्यूमेरिक की है, ठीक है, तो उस टाइप की कितने टाइप के होते हैं कीवर्ड पे? फंक्शन की भी होती है सर. हाँ, टाइप ऑफ की, फंक्शन की, स्पेशल, स्पेशल की, स्पेशल की. देखो, अगर हम कीवर्ड की बात करें, कीवर्ड क्या है हमारा? कीवर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है. इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? हम जिस डिवाइस का यूज करके हम इनपुट डेटा पास करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं. ओके, जो यहाँ, हाँ, जो कीवर्ड है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है. और कीवर्ड में 5 टाइप की होता है, यानी अगर कोई भी इंसान उनसे पूछे कि टाइप ऑफ की, यानी जो भी कीवर्ड है उस पे जो की है कितने टाइप के होते हैं, तो आप सिंपली बताना उसको, 5 टाइप के होते हैं. कौन कौन से होता है सर? न्यूमेरिकल होता है, मेरी बात सुनो, फर्स्ट है फंक्शन की, ठीक है, सेकंड न्यूमेरिक की, थर्ड अल्फाबेटिक की, फोर्थ की. ओके, यानी 5 टाइप के की होते हैं, ठीक है. फर्स्ट अल्फाबेटिक, सर रिपीट योर आंसर. ओके, मैंने अभी 5 टाइप का की बताया कीवर्ड पे, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, ठीक है, अल्फाबेटिक की, स्पेशल की और स्पेशल कैरेक्टर की. ओके ओके, आया समझ में सबको? हाँ जी. उसके हम फंक्शन की किसको बोलेंगे? जो हमारे कीवर्ड पे जैसे F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, यानी वो क्या होता है? फंक्शन की होता है, ठीक है. हेलो, यस सर, यस सर, वन मिनट, मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. और अभी स्क्रीन हमारी देख रही है सबको? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है हमारा? हाँ हाँ हाँ. ओके, अभी मैं क्या बात कर रहा था, की के बारे में बात कर रहा था, ठीक है. जैसे कीवर्ड है, वन मिनट, मैं लिख रहा हूँ टाइप ऑफ की, कीवर्ड, सर
सर आपका डिस्प्ले छोटा हो गया, डिस्प्ले छोटा हो गया। हाँ आप प्रेजेंटिंग वन मिनट हेलो हेलो वन मिनट शॉक यू इन वन मिनट अभी दिख रहा है ना कीबोर्ड? ओके सर, स्क्रीन दिख रही है हमारी? ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, टाइप ऑफ की बताया है ना, टाइप ऑफ की के बारे में बात कर रहा था। ओके, फर्स्ट मैंने क्या बताया, फंक्शनल की। ओके, सेकंड में क्या है, मेमोरी की, न्यूमेरिक की। ठीक है, न्यूमेरिक की, थर्ड कौन सा की है, अल्फाबेटिक की। देन फोर्थ में क्या है, स्पेशल की, स्पेशल की, स्पेशल की, स्पेशल की। उसके बाद फिफ्थ नंबर में क्या है, ठीक है, स्पेशल। सर सर डिस्प्ले कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। सर डिस्प्ले डिस्प्ले छोटा हो गया राहुल, यानी ओके। हाँ हेलो, डिस्प्ले छोटा हो गया सर। हेलो हेलो, डिस्प्ले छोटा हो गया। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, अभी दिख रहा होगा, प्रोसेसिंग हो रहा है। अच्छा प्रोसेसिंग, हाँ ओके फाइन। हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ ओके, फंक्शन फंक्शनल की में कौन कौन से की आएगा, जैसे F1, F2, जैसे F1 है, ठीक है, ठीक है, हमारी फंक्शन है ये F1 की है, यानी F1 से लेके F12 तक जो भी की है हमारी, क्या है वो फंक्शन की है। जैसे F1 है, ठीक है, अप टू 9 तक ये हमारी मेरी की है, ओके। और अल्फाबेटिक की हम किसको बोलेंगे, तो ए टू जेड है, ठीक है, जैसे ए हो गया, हाँ बी हो गया, सी, ये सब क्या है हमारी अल्फाबेटिक की, ए टू जेड। उसके बाद आता है स्पेशल की, स्पेशल की हम किसको बोलते हैं, जैसे कीवर्ड पे कंट्रोल है, फंक्शन है, ऑल्ट है, ठीक है, शिफ्ट है, ये सब क्या है, स्पेशल की है ये। से CTRL ऑल्ट की, शिफ्ट की, ठीक है, एंटर की, ये सब क्या है, स्पेशल की है ये, ओके। उसके बाद लास्ट में है स्पेशल कैरेक्टर की, स्पेशल कैरेक्टर की हम किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कीवर्ड पे यहाँ पे साइन भी है, जैसे एट द रेट का साइन है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, हैश का साइन है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर है ये। उसके बाद डॉलर का साइन है, ये सब क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टर की है ये, ठीक है। उसके बाद यह क्वेश्चन मार्क की साइन है, ठीक है, ये सब क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टर की है ये। आया समझ में सबको? आई थिंक सबको आ गया होगा समझ। ओके, ये हमारे 5 टाइप के की है जो कि कीवर्ड में यूज होता है। फर्स्ट में क्या है मेरा, फंक्शन की है, सेकंड में क्या है, न्यूमेरिक की है, थर्ड में क्या है, अल्फाबेटिक की, फोर्थ में क्या है, स्पेशल की,
और फिफ्थ में स्पेशल कैरेक्टर की, ठीक है? एसएस चवल, हाँ सर, चचवल, हाँ सर, आया समझ में? हाँ हाँ, आया समझ में? हाँ हाँ, जी सर, ओके। पिंटू, आपको आ गया समझ में? हाँ, अभी मैंने कितने टाइप की बताया? उसके बाद मैंने बताया था हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है? जो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे सीपीयू है, माउस है, ठीक है, कीबोर्ड है, कंप्यूटर का भार है, मॉनिटर है, ठीक है, यानी जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या है, वो फिजिकल पार्ट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? छू नहीं सकते हैं, सेटअप प्रोग्राम होता है या सेटअप इंस्ट्रक्शन उसको बोल सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, विंडो है, या एनवीडीए जॉस जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, क्रोम है, उसको यूज कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, है ना? हेलो, हाँ चलेगा सर। कंप्यूटर जो उसको आउटपुट आने बैठो तो फोन उसका अगर इंटरप्ट आ रहा है तो उन्हें जो कंप्यूटर हमें देता है सर, प्रोग्राम हमें देता है कंप्यूटर, उसको आउटपुट कहते हैं। अच्छा, जो यूजर कंप्यूटर को देता है वो क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है, और जो कंप्यूटर यानी जो यूजर, जैसे आप यूजर हो, ठीक है, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, जी सर, क्या बोलेगा, और जो हमें आउटपुट कंप्यूटर जो हमें देगा क्या होगा, आउटपुट देगा, ठीक है, तो सिंपल है। जो यूजर कंप्यूटर को जो भी डाटा देगा वो इनपुट डाटा बोलेगा, जो कंप्यूटर हमें देगा, ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, वो आउटपुट होगा, ठीक है, जी सर, ओके। उसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ये बता दिया, कंप्यूटर बता दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने इनपुट आउटपुट बता दिया। देन उसके बाद है ड्राइवर, ड्राइवर के बारे में सुना होगा कोई, पिंटू जी सर, ड्राइवर का नाम सुने हो, ड्राइवर, ड्राइव वो पीडीएफ बनाने के लिए काम आती है क्या, पीडीएफ बनाने, नहीं, देखो जब कोई आप जैसे एक्स्ट्रा कोई डिवाइस यूज करते हो, जैसे प्रिंटर आप यूज, जिससे वॉल्यूम नहीं आ रही है, सुनाई दे रहा सबको, हाँ सर, अब सुनाई दे, मैं प्रिंटर के बारे में बता रहा था, जैसे आप प्रिंटर यूज करते हो, ठीक है, हाँ, प्रिंटर किस लिए यूज करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट अगर निकालने हो तो प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसकी हम प्रिंट आउट निकालें तो हम प्रिंटर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर कैसे पता चलेगा कि आप कंप्यूटर में प्रिंटर ज्वाइन किए हो या नहीं किए हो, कंप्यूटर कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम एक ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, ताकि जो कंप्यूटर और जो प्रिंटर है एक दूसरे से क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, ठीक है, हाँ, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ड्राइवर, जी सर, ड्राइवर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ड्राइवर अगर उसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो उसको हम बोल सकते हैं, ड्राइवर इज इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर पार्ट एंड हार्डवेयर पार्ट, ठीक है, यानी जो ड्राइवर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक दूसरे से क्या करता है, वो मिलाता है, वो इंटरफेस कराता है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इंटरफेस
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके इज नोन एज ड्राइवर ड्राइव की ये सर यही परिभाषा है क्या, ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को मिलाते हैं? रवि शर्मा है जो हार्डवेयर पार्ट को और सॉफ्टवेयर पार्ट को एक दूसरे से मिलाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप प्रिंटर यूज करते हो तो उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तब हमारे कंप्यूटर को पता चला कि हम अपने सिस्टम में क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम कभी कुछ भी कमांड देंगे प्रिंट आउट निकालेंगे डॉक्यूमेंट का, तब वहाँ पे इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद हम अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, हाँ अपना कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, बस वहां पे ओपन हो गया है, ठीक है। जब विंडो के साथ आर आइकन दोनों एक साथ प्रेस करोगे वहां पे रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आएगा, देन वहां पे टाइप करना विन वर्ड, ठीक है, विन WINWORD विन वर्ड, देन एंटर करना। जब विन वर्ड हम एंटर करेंगे तो वहां पे ये एमएस वर्ड ओपन हो गया आएगा, ठीक है। जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा एमएस वर्ड वहां पे ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या है, अगर एमएस वर्ड ओपन करना हो हम डायरेक्टली हम विंडो की प्रेस करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, वर्ड, ठीक है। अगर हम वर्ड भी टाइप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी वर्ड इंस्टॉल है एमएस वर्ड जो भी इंस्टॉल है यहाँ पे ओपन होके हमें शो करेगा नीचे, देखो तो यहाँ पे वर्ड पेड है वर्ड 2016 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप जो यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। मैंने क्या किया था, विंडो के साथ आर प्रेस किया था और वहाँ पे विन वर्ड टाइप किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड ओपन किया गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, जो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सिंपली हम एंटर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, ये दिख रहा है स्क्रीन हमारा। ठीक है, हमने क्या किया अभी, एमएस वर्ड ओपन किया है, ठीक है। अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड स्केचेबल, हाँ सर आप बताओ, हाँ सर एमएस वर्ड क्या, एमएस वर्ड जहाँ हम वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई टाइपिंग का काम कर सकते हैं, ओके। हाँ सही बता रहे हो, एमएस वर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि वर्ड से रिलेटेड जो भी काम हो हम आसानी से कर लेते हैं। जैसे हमें कोई रिपोर्टिंग करनी है, कोई रिपोर्ट बनाना है, अगर रिज्यूमे बनानी है, ठीक है, यानी वर्ड से रिलेटेड जो भी काम करना है हम आसानी से वर्ड पे कर सकते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड का यूज करके हम आसानी से कर सकते हैं। इससे काफ़ी सारे वर्जन होते हैं, जैसे एमएस वर्ड 2010 होता है, 7 होता है, 13 होता है, 16 है, ठीक है, अभी लेटेस्ट में 19 भी आ गया है, ठीक है। अभी जो भी कुछ यूज कर रहे हो, ठीक है, सेम कमांड है उसमें भी, आप विंडो के साथ आर प्रेस करना, विन वर्ड वहाँ पे टाइप करना, ठीक है, एमएस वर्ड वहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो एमएस वर्ड में कितने टैब है, जो भी यहाँ पे जैसे होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, लिंक है, रिव्यू एंड व्यू है, ठीक है, ये सब क्या टैब है, ठीक है। इसके 7 टैब होते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड कितने टैब होते हैं, 7 टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब,
ये जो डिजाइन टैब और लेआउट टैब है इसको हम पेज लेआउट बोलते हैं, ठीक है। ये पेज लेआउट के अंदर में ही आता है। पेज लेआउट टैब होता है रेफरेंस टैब, मेलअप, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ टैब की बात करें, टाइप ऑफ टैब दिख रहा है, ये टाइप ऑफ टैब है, सेवन टाइप के टैब, ठीक है। सेवन टाइप ऑफ टैब, फर्स्ट में क्या है, होम टैब है, होम टैब, सेकंड में इंसर्ट टैब, ठीक है, थर्ड में पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट, पेज लेआउट टैब, उसके बाद क्या है, रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब, देन सर स्क्रीन नहीं दिखा दे रहा है, राहुल भैया ने कुछ ऑप्शन क्लिक किया हुआ रखा है। क्या राहुल भैया कुछ ऑप्शन स्टॉप प्रोसेसिंग किया है, क्या किया है? स्क्रीन नहीं दिखा रहा है आपका, छोटा दिखा रहा है। वन मिनट, वन मिनट। एंड व्यू टैब इधर तो आ रहा है सर, स्क्रीन अगर नेटवर्क इशू होगा आपके तरफ ना, मैं शो नहीं होता होगा, ठीक है। सर राहुल भैया का वहाँ कुछ इशू दिखा रहा था, स्टॉप प्रोसेसिंग या कैसे कुछ आया था, वो हट गया था। दिख रहा हूँ, प्रोसेसिंग हो रहा है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ओके सर, ओके, दिख गया। हाँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, सेवन टाइप है, ठीक है। टाइप कितने टाइप के होते हैं, सेवन टाइप के होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नेम लिया। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, होम टैब है, सेकंड क्या है, इंसर्ट टैब है, थर्ड क्या है, पेज लेआउट टैब है, उसके बाद क्या है, रेफरेंस टैब है, फिफ्थ नंबर पे क्या है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है, या दिख रहा है जो भी मैंने लिखा है। मनोज, हाँ जी सर, ठीक है सर। कितने टाइप के टैब है बताया? सेवन टाइप के सर। हाँ, सेवन टाइप के टैब है। कौन कौन से टैब है? होम टैब, होम टैब है, इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, मेलिंग टैब, और व्यू टैब। जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है? जी सर। हाँ, क्या क्या मैंने लिखा है वो रीड करो। फर्स्ट है होम टैब, सेकंड इंसर्ट टैब, थर्ड है पेज लेआउट टैब, और फोर्थ है रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब, ओके, फिफ्थ है मेलिंग टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, व्यू टैब। जो भी सेवन टैब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि इसके है एमएस वर्ड के है, ठीक है। एमएस वर्ड में सेवन टाइप के टैब होते हैं। फर्स्ट में होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, ठीक है। ये क्या है हमारा, सेवन टैब, ये एमएस वर्ड के सारे ये पार्ट है, ठीक है। डिजाइन वर्ड के सेवन टैब है ये, ठीक है। हम फर्स्ट क्या हां बोल रहे हैं कि डिजाइन टैब को हम क्यों डिफाइन नहीं करते यहां पे टाइप में? देखो, ये जो डिजाइन टैब, हाँ मैं बता रहा हूँ, पेज लेआउट के अंदर में आता है, जिसका डिजाइन टैब है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, डिजाइन हो गया, डिजाइन और क्या है, लेआउट है, ठीक है। हाँ, ये हमारा पेज लेआउट के अंदर में आता है, ठीक है। अच्छा, जब आप एमएस वर्ड 7 यूज करोगे ना, तो आप पेज लेआउट लिख के आएगा, ठीक है। मैं अभी लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ, 2016 आई है, ठीक है। एमएस वर्ड मेरा 2016 है, क्योंकि यहाँ के दो पार्ट में डिवाइड, पेज लेआउट है ना, उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, डिजाइन टैब और लेआउट टैब में, यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। जो कि ये पेज लेआउट के ही दोनों टैब है, ठीक है।
यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं दोनों के बारे में बताते चलूंगा, ठीक है। अगर आप नेट पे सर्च करो कि नेट टाइप पे टैब होता है, ठीक है, तो वहाँ पे 7 टाइप के टैब वहाँ पे शो होगा। फर्स्ट में आपका होम टैब, टैब इंसर्ट पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, ठीक है, 7 टाइप के वहाँ पे टैब वहाँ पे शो होगा, ठीक है। हम फर्स्ट में बात करेंगे होम टैब, ठीक है, होम टैब क्या होता है, होम टैब के क्या क्या फीचर होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, फर्स्ट में जैसे हमने क्या किया, एमएस वर्ड ओपन किया है, ठीक है, एमएस वर्ड के यहाँ पे होम टैब है, मैंने होम टैब पे क्लिक किया तो ये सारे ये फीचर शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ऊपर क्या है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट पॉइंटर है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है, यानी जो भी कुछ यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है ये सब क्या है, होम टैब के ऑप्शन ही है, ठीक है, उसके फीचर है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है कट किसको बोलते हैं, कॉपी किसको बोलते हैं और पेस्ट किसको बोलते हैं? हाँ सर, कोई अगर एग्जांपल एग्जांपल पकड़ लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ वहाँ पे मेन, उस मेन वर्ड को हम अगर कहीं दूसरे जगह पे ले जाना चाहता है तो उसको अगर हम काट करते हैं तो वो सिर्फ यहाँ से दूसरा प्लेस में कट होके जाता है, यहाँ नहीं रहता है, और अगर कॉपी करते हैं तो उस टाइम यहाँ भी रहता है और एक कॉपी और एक जहाँ पे हम प्लेस करते हैं वहाँ भी जाता है। तो पेस्ट का मतलब होता है कि वो पेस्ट वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कॉपी हो जाता है। वो वहाँ से पूरा मतलब आपका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है सर। कोई बात नहीं, आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ, राहुल आप ना बंद कर लो। राहुल सर, राहुल का बार बार लेफ्ट और रिप्रेजेंट आना, प्रेजेंटिंग और लेफ्ट, आप लोग कुछ प्रेजेंट मत करो, ठीक है, मैं प्रेजेंट किया हूँ, ठीक है, आप बीच में इंटरप्ट करोगे ना फिर रुक जाएगा फिर, ठीक है, आप बीच में करो, ठीक है। अभी रामराज ने क्या बताया, कॉपी जो होती है, अगर हम कॉपी करेंगे तो डेटा हमारी उसकी दो पार्ट बन जाएगी, ठीक है, जहां से आप कॉपी करोगे यानी वहां पे भी रहेगी, जहां पे आप पेस्ट करोगे वहां पे भी रहेगी, ठीक है। यानी जो भी डेटा है आपके पास, जैसे सपोज करो मैं यहां पे कुछ कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है टाइप ऑफ टैब लिखा है यहां पे, ठीक है, कॉपी करने के लिए सिंपली कमांड हम क्या डालते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी जाती है, मैंने सो कॉपी कर लिया, ठीक है। अगर हम नीचे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से, ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है, यानी उसको जितना टाइम आप पेस्ट करना चाहते हो पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया यहाँ, ठीक है, एक बार मैंने कॉपी किया और जितना बार आपको पेस्ट करना है आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉपी के क्या कमांड होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, गुड। सीटीआरएल प्लस सी क्या है, कॉपी का कमांड कंट्रोल सी, ओके, और पेस्ट का क्या कमांड है, कंट्रोल वी, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। अगर हम सिंपली कोई भी डेटा को अगर कॉपी करना हो, हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या कर लेंगे, हम कट कर लेंगे, सॉरी कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, ठीक है। और कट में क्या होता है, रामराज एक तो ऑनलाइन क्लास को सी तुम की कर सो मनोज आप बताओ कट में क्या बोलते, ठीक है सर, सुंदर नहीं पता, ओके
कुलसुम आपको पता है पट किसको बोलते हैं? सर एक जगह से चीज दूसरी जगह रिप्लेस हो जाना। हाँ, यानी जिस लोकेशन पे आपका जो भी फाइल है फोल्डर है ठीक है वहां से कट करके जहां उसको आप रखना चाहते हो जहां उसको पेस्ट कर रही हो वहां पे रिप्लेस हो जाएगा ठीक है। यानी वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं यहां पे ध्यान दो ठीक है। जैसे सपोज करो यहां पे टाइप अप जो टैब लिखा है इसको मैं कट करूंगा। कट का कमांड क्या है? कंट्रोल एक्स है ठीक है। सीटीआरएल प्लस एक्स करेंगे कट हो जाएगा। देखो कंट्रोल एक्स किया एक कट हो गया यहां पे ठीक है। जहां पे हम करेंगे यहां पे शो हो जाएगा। यहां 8 नंबर क्या हो गया टाइप ऑफ इसको मैंने क्या किया था पेस्ट किया था ठीक है। ये सर हेलो आया समझ में? कट का क्या कमांड है? सीटीआरएल प्लस एक्स एक्स ठीक है। सीटीआरएल प्लस एक्स करेंगे कट होगा फाइल। सीटीआरएल प्लस सी करेंगे कॉपी होगा। सीटीआरएल प्लस वी करेंगे तो क्या होगा पेस्ट होगा ठीक है। ये कमांड काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है। ये इसको आप फाइल फोल्डर कट कॉपी में भी यूज कर सकते हो ठीक है। या आप जो भी हम एमएस वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी टेक्स्ट को हमें कॉपी करना हो कट करना हो पेस्ट करना हो ठीक है तब इस केस में हम यूज कर सकते हैं इसका ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो सर। डाउट ओके ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे बी आई यू ठीक है होम टैब में शो हो रहा है ठीक है। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं बी को बोल्ड बोलते हैं इटैली ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोल्ड राहुल बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ठीक है। हम बोल्ड किसको बोलते हैं? जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो ठीक है। जैसे सपोज करो आप टाइप ऑफ हमने टैब लिखा है ठीक है। अगर इसको बोल्ड करेंगे बोल्ड का क्या कमांड होता है? सीटीआरएल प्लस बी करोगे बोल्ड हो जाएगा ठीक है। CTRL प्लस बी करोगे बोल्ड होगा। इटैलिक के लिए हम क्या करेंगे? CTRL प्लस यू करेंगे प्लस सॉरी इटैलिक के लिए CTRL प्लस आई करेंगे ठीक है इटैलिक होगा। और अंडरलाइन के लिए क्या करेंगे? CTRL प्लस यू हमारी अंडरलाइन ठीक है। देखो बोल्ड किसको बोलेंगे इटैलिक किसको बोलेंगे अंडरलाइन किसको बोलेंगे उसे सही समझो ठीक है। जैसे कुछ ही मैंने यहाँ पे कंटेंट शो किया है ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने टाइप ऑफ टैब लिखा है कट कॉपी पेस्ट इसको हम बोल्ड करें तो क्या होगा? देखो इन केस ऑफ बोल्ड जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारी जो भी टेक्स्ट है वहाँ पे बोल्ड हो जाएगी ठीक है। यानी जो भी उसकी साइज है उसकी साइज पे थोड़ी सी इफेक्ट पड़ेगी थोड़ी सी अट्रैक्टिव वे में दिखना स्टार्ट हो जाएगा वो ठीक है। जैसे हम कोई भी बुक देखते हैं ठीक है जो हेडिंग होती है जो चैप्टर नेम होता है ठीक है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है अट्रैक्टिव दिखती है ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बोल्ड बोलते हैं ठीक है। यानी वो बोल्ड वे में है। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे आ रहे हैं भी तो मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ शो करता हूँ मैं यहाँ पे कुछ ना कंटेंट्स हो किया है ठीक है। ये दिख रहा है कंटेंट हेलो स्क्रीन दिख रही है हमारा? हाँ सर दिख रहा है दिख रहा है। हाँ जी सर दिख रहा है। ओके ओके ठीक है। जैसे अभी मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है हम बोल्ड भाई करें तो क्या होगा? जैसे योर वीडियो पर बाइट्स लिखा है अगर हम बोल्ड करेंगे बोल्ड के लिए क्या कमांड देंगे कंट्रोल के साथ भाई जो भी टेक्स्ट है बोल्ड हो गई है ठीक है। जैसे हमने बोल्ड किया देखो यहाँ पे थोड़ी सी अट्रैक्टिव है दिख रही है ठीक है थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है ये है ना। हाँ जी हाँ तो ये क्या होगा बोल्ड हो गया।
बोल्ट के लिए हमने क्या कमांड दिया, CTRL प्लस बी यानी कंट्रोल के साथ बी मैंने प्रेस किया, CTRL प्लस बी किया यानी बोल्ड हो गया ये, ठीक है। हमने कंट्रोल बी एक साथ प्रेस किया, बोल्ड हो गया। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था। सिलेक्ट कैसे करेंगे हम इसको पहले समझो, जैसे सपोज करो मैंने इसको ना अनबोल्ड करता हूँ, ठीक है, जिस वे हम पहले था वही हो गया। हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरफ आपका जैसे यहाँ पे कर्सर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, अगर आपको राइट की तरफ में सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट की और इधर राइट की दोनों के एक साथ प्रेस करो, ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। जहां तक सिलेक्ट करना है वहां तक सिलेक्ट कर सकते हो, या आप माउस के साथ में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ड्रैग करके। उसके बाद आप कमांड दो यहाँ पे कंट्रोल थ्री, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंट्रोल के साथ आई प्रेस करोगे तो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक में क्या होता है, जो भी टेक्स्ट होता है थोड़ी सी क्लाइंट हो जाती है, ठीक है। क्लाइंट करने का सेंस क्या है, थोड़ी तिरछा हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करो जिसको मैंने बोल्ड किया है इसी को मैं इटैलिक, थोड़ी सी क्या हो गया, ये क्लाइंट हो गया है, ठीक है। बोल्ड भी हो गया, थोड़ी सी बोल्ड हो गया, उसके बाद इटैलिक भी हो गया ये, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंट वे में दिख रही है, ठीक है, इसको हम इटैलिक बोलते हैं। तो अंडरलाइन के लिए हम क्या कमांड डालेंगे, कंट्रोल के साथ CTRL प्लस U, हाँ CTRL प्लस U करेंगे, ये अंडरलाइन होगा, ठीक है। अंडरलाइन में क्या होता है, उसके नीचे में एक लाइनिंग आता है, ठीक है, देखो ये बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीनों चीज यूज कर लिया है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ठीक है। बोल्ड का मैंने क्या कमांड बताया, कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक के लिए मैंने क्या बताया, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे इटैलिक हो जाएगा, और अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ हम यू प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, वहां पे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। जो भी कुछ अगर इटैलिक करना हो, बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो उसके लिए हम टेक्स्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से ये सारे कमांड वहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देन ये सारी जो भी एक्टिविटी है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का वर्क करेगा वो, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली आप कंट्रोल बी करोगे आई करोगे वहां पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आया समझ में? हाँ जी। ओके। अभी तक किसी को डाउट पूछ? नो सर। ओके। हम कल के सेशन में इसके बाद जो भी फीचर है, जैसे सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ठीक है, यानी जो भी इसके फीचर है सारे फीचर हम कल सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जो भी डाउट हो हम सुबह में ना एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस कॉल के टाइम में आप पूछ सकते हो, ठीक है, जो कि हम कल से कॉन्फ्रेंस कॉल भी करेंगे, ठीक है। कल तक कौन कौन से टॉपिक होंगे? कल हम बताएंगे जैसे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ठीक है, बुलेट पॉइंट यूज करना, ओके, कलर कोई अप्लाई करना, बैकग्राउंड कोई कलर देना है टेक्स्ट पे, कैसे देंगे उसको हम सिखाएंगे, ठीक है। क्लास आप ना मिस मत करना बीच में, ठीक है सर। प्रेजेंट के द्वारा क्या मैं ये कह रहा हूँ सर कि प्रेजेंटिंग के द्वारा अगर दिखाकर बताया जाएगा तो ज्यादा समझ आएगा। अच्छा पीपीटी में? जी ठीक है, हम ना कोशिश करेंगे कल से, ठीक है जी सर। ओके धन्यवाद। हेलो। हाँ मनोज भैया, क्या खबर? हाँ भैया बस भैया, बढ़िया। और बताओ? हाँ चल रहा है। तो फिर कल मिलते हैं ना, और 3:30 बजे मिलते हैं। ठीक है भाई। ठीक, बाय। ओके।